कारगिल सेंटर में है। आते वक्त एक टीचर के लैंड पे कब्जा हुआ, उसे छुड़ा दो। ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूँ मैं, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है पापा। क्या भाई, काम हो गया? उस मास्टर को भगाया कि नहीं? अभी नहीं भाई, दो लोग आट अपके हैं। क्या भाई लोग, कहाँ से आए हो? तू मेरी छोड़, अपनी बता। कौन लुखिया आ गए? उनका बैकग्राउंड तो पूछ लो। भाई ये कोई गैंग वाले हैं भाई। कौन लुखिया हैं यार? दास गैंग के बता रहे हैं भाई। ए, 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 तू जानता नहीं है क्या, दास गैंग का दूसरा नाम यमराज है। गरीबों को सताने वाले को एक दास यमराज छोड़ता नहीं है, समझा? सूर्या भाई वो बहुत डेंजर है, शिवा भाई वो उससे भी ज्यादा डेंजर है। उनको मेरा नाम मत बताना, तुरंत वहां से भाग जाओ। हे भगवान, मेरे लोग अगर जिंदा लौट आए तो तुम्हारे मंदिर में घुटनों के बल 3 बार आऊंगा भगवान। उन्होंने कहा हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। ए, बैठ रहे, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं यहाँ पे वो काम खत्म करके जाएंगे, चल नीचे बैठ जा। चले यहां से जाते हैं ब्रो, आपकी जमीन सेफ है सर। अंकल एक सेल्फी। हाँ ले लो। बेटा तुमने बहू के बारे में पेपर में स्टेटमेंट दिया नहीं, तो दे दो। नहीं पिताजी, इज्जत चली जाएगी, हम खुद उसे तलाश करेंगे। ठीक है, ये लो भाई। ये क्या, 2 सेटलमेंट थे ना, ये तो एक ही है। गरीब लोग है भाई, अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था, अभी बच्ची है वो, हमने हमारी तरफ से गिफ्ट दे दिया। ये लैंड बच्ची के दहेज के लिए था, वो बेचारे हमें दे रहे थे लेकिन हमने लेने से मना कर दिया, हमें दया आ गई। हमारा धंधा वसूली का है, दान करने का नहीं।
फ्री में सेटलमेंट करने के लिए सरकार ने यहाँ बिठाया क्या? फिर अगर कभी ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये क्या बोल रहा है पापा? सबको पता है ऐसा ही है, छोड़ो इसे, आजकल ज्यादा टेंशन में है, इस पे ध्यान मत दो। शहर में दो हत्याओं के बाद सनसनी फैल गई है। जिस किसी ने यह हत्या की है उसने लाश के टुकड़े करके गोनी में डालकर उसे हाउसिंग कॉलोनी में छोड़ दिया है। इस एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर पशुपति डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। भाई सेटलमेंट के पैसे पापा को पहुंचा दिया है मैंने। ओके ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। नमस्कार भाई। नमस्कार। ए छोटू इधर आ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। चल रम ले क्या? ठीक है। क्या हुआ भाई, इतने खुश क्यों हो? नहीं भाई कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ ना। ए बता ना। बस स्टॉप पे एक लड़की देखी। हाँ। ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए बनी है। आज तक किसी लड़की को देखकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने उसका बैकग्राउंड भी पता कर लिया। कौन है वो, कहाँ रहती है वो? लड़की का नाम है मीरा, स्कूल टीचर है। उसकी माँ बचपन में ही मर गई, वो अपने पापा के साथ रहती है। वो लोग बहुत सिंपल हैं। मेरा नाम तो मुस्लिम लड़की का होता है ना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसे निभा लेगा तू? आजकल ये सब कौन देखता है, जो लड़की मेरे दिल में है वही घर में भी रहेगी। और बाकी चिंता करने के लिए पापा है, वो सब संभाल लेंगे। हे जल्दी मत कर, तुझे प्यार हो गया काफी नहीं है। उस लड़की के दिल में क्या है जानना होगा, वरना प्रेम में पछताएगा शिवा। मेरे पास एक प्लान है। क्या है बता। बोलूंगा नहीं, करके बताऊंगा। मीरा का घर यही है ना? सेकंड फ्लोर। कूल शिवा। बेटी देखो कौन आया। हाँ पापा। तेरा जादू ऐसा चला कि मैं यहां तक खींचा चलाया। हेलो मेरा टीचर। हाँ। मुझे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते अंकल। कौन हो तुम बेटा? मेरा नाम शिवा है, मैं यही पास के फार्म हाउस में रहता हूँ। हमारा राइस मिल का बिजनेस है। मुझे पता लगा कि आपकी बेटी टीचर है। मेरे भाई की बेटी को ट्यूशन टीचर की जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। एक्चुअली 6 महीने से मेरी भाभी कहीं मिसिंग है, उन्हें कुछ
मेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो कहीं चली गई। अब बच्ची माँ के लिए रोती रहती है। बच्ची का ख्याल कोई रख सके ऐसा कोई हमें चाहिए। एट द सेम टाइम स्टडीज में भी उसकी हेल्प कर सके ऐसी कोई टीचर चाहिए थी। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी इंपॉर्टेंट है। मेरा मैं आपको सोच के बताऊंगी, आप अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। उम्मीद है कि आप बच्ची के लिए मना नहीं करेंगी। अच्छा अंकल, नमस्ते। नमस्ते। हेलो, शिवा बोल रहे हैं? हाँ शिवा बोल रहा हूँ। मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। ट्यूशन के लिए आपने बात की थी ना? हाँ, क्या नंबर आपका है? हाँ जी, ये मेरा नंबर है। ओके, बोलिए ना मैडम। आपके जाने के बाद मैंने काफी सोचा था। ओके। आपने बताया था कि बच्ची की माँ नहीं है ना? जी। मुझे पता है बिना माँ की बच्ची पे क्या गुजरती है, क्योंकि मेरी भी माँ नहीं है ना, इसलिए। ओह सॉरी। मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। आप शाम को 5 बजे तक आ जाइए, मैं वेट करूंगी। ओके मैडम, श्योर। ओके ना, बाय। ओके। हाँ आ रही हूँ। वाह शिवा, तीर निशाने पर लग गया। चले? हाँ चलो। अंकल। खुश रहो बेटा। आज ही से ये श्री को ट्यूशन पढ़ाएंगी। बहुत अच्छे, अच्छी बात है बेटा। मुझे ट्यूशन नहीं, मुझे तो माँ चाहिए। तुम्हारी माँ बाद में आएंगी बेटा, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए। सही में टीचर? हाँ सच में, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है ना? पढ़ूंगी टीचर। सच बेटा, श्री को इतने प्यार से आज तक किसी ने नहीं समझाया। पापा इनसे पढ़ाई शुरू करवा। हाँ। श्री अंदर ले जाओ। बेटा तुम अंदर जाओ। अंदर जाइए। श्री तुम भी जाओ। सूर्या लड़की कैसी है? तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। अच्छा आप लोग शहर से इतने दूर क्यों रहते हैं? हमारे पापा को फार्म हाउस में रहना पसंद है। और वैसे सिटी में धूल मिट्टी के अलावा क्या है, और सेटलमेंट का काम तो कहीं भी रह के किया जा सकता है। आप यहाँ बैठिए, मैं बच्ची को ड्रेस चेंज करवा के लेके आता हूँ। ठीक है। Thank you.
नमस्ते दास भाई। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कहिए क्या समस्या? भाई हम सब रामापुरम गांव के हैं। हमारे खेतों से लगकर एक पहाड़ है। कुछ दिन पहले बिहार से एक बलराम नाम का कॉन्ट्रैक्टर आया और गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवाता है। दिन भर धूल मिट्टी प्रदूषण से हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। इस काम के लिए तुम लोग यहाँ आने के बजाय अपने एमएलए से मिलना चाहिए था। हम मिले थे, पर इस आदमी बलराम ने एमएलए को रिश्वत दिया था। अब एमएलए के साथ मिलकर बलराम सारी हदें पार कर दी। हमने विरोध किया तो हमको जान से मारने की धमकी दी। हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं और ये काम आप ही कर सकते हैं। क्या ऐसा है साहब? कौन है ये बलराम? दास साहब, इस बलराम को पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत है, हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। ए, सूर्या। हाँ पापा। इस बलराम को कॉल करके बुलाओ। करता हूँ। नमस्ते दास साहब, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सारे किसान लोग ठीक नहीं है। अच्छा। देखो बलराम, तुम यहाँ बिहार से आकर के कानन बगैर किसी कांटेक्ट के कैसे तुम ये नेटवर्क चला रहे हो मैं जानता हूँ। अब जितना जल्द हो सके अपना ये गैर कानूनी क्रेशर का काम दूरन के खेत से ले जाओ तो अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और इन किसानों के लिए भी। देखिए दास साहब, लोगों को रोड चाहिए ना, हर घर तक रोड चाहिए इनको। वो कैसे बनेगी? पत्थर से ही ना। हम लोग जो धंधा करते हैं उससे हमारा फायदा, सबका फायदा। आपको जो भी बात करनी है वो एमएलए आदिशंकर से बात कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलता हूँ दास साहब, फिर मिलेंगे। हे ए, तो रुक जा भी। हाँ सुनो, तुम लोग, तुम्हारे खेत और घर सुरक्षित रहेंगे, ये वादा है इस दास का। निश्चिंत रहो, जाओ। चलते हैं सरकार। हे शिवा। हाँ पापा। सूर्या, इसको अपने तरीके से समझाओ। अपने बाप का गार्डन समझ के बैठा है क्या तू यहाँ पे? अभी बताऊं क्या तेरे को? ए, तेरा बॉस कहाँ है भाई? मुझे मत पता, मुझे मत पता, मुझे पता? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता भाई। तेरे बॉस को मार कर लेके आया हूँ, जाके देख ले। चल देख, देख। साला हमसे पंगा लेगा। हे सूर्या, कुछ मिसिंग लग रहा है। अंकल मुझे जाना है, शिवा कहाँ है? शिवा बाहर गया है बेटा, उसे आने में थोड़ा टाइम लेगा, तुम्हें सूर्या ड्रॉप कर देगा। ठीक है अंकल। ए सूर्या, यहाँ आओ। आए पापा, क्या बात है? मेरा को उसके घर पे ड्रॉप कर दो। ओके, आ जाओ। सूर्या रुको तो। हाँ क्या हुआ? घर से लाए यहाँ छोड़ा और जा रहे हो, कम से कम गुड नाइट तो कहो। गुड नाइट। तुम्हारी आवाज पहली बार सुनी है और तुम मुस्कुरा के ही बात किया करो, देखने वालों को अच्छा लगेगा। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय डैडी। हाय बेटा, कैसा रहा फॉरेन? 2 साल से तुम्हें मिस कर रहा हूँ।
सॉरी डैडी, आई विल नॉट लीव यू अगेन। ओके बेटा। डैडी, क्या मैं दास अंकल के यहाँ दीदी से मिलने जा सकती हूँ? ठीक है बेटा। विश्वनाथ का फोन। क्या हाल है विश्वनाथ? अच्छा दास, मेरी छोटी बेटी फॉरेन से वापस आई है। अच्छा, तुमसे मिलने आ रही है? मेरे घर पे आ रही है, जितनी जल्दी वो भेज। अगर वो अपनी दीदी के बारे में पूछे तो ट्रीटमेंट के लिए उसे केरला भेज दिया है, बोल देना श्रावणी अपनी दीदी से बहुत प्यार करती है। ठीक है, मैं बोल दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं वैसा ही बोल दूंगा। शिट। भगवान बेटा श्रावणी, श्रावणी एक विश्वनाथ तेरी बेटी, मेरी बेटी को कितने बार देखो, ये क्या हो गया? दास, मैं मेरी सारी दौलत लुटा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी के कातिल को ढूंढ के निकाल और उसे खत्म कर दे दास। बेरहमी समझ रही है। अरे तू कहाँ गया रे, चल पिछट, चल यहाँ से। मशहूर लॉयर विश्वनाथन की छोटी बेटी श्रावणी की बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है। हत्या से पहले उसे रेप किया गया, फिर उसकी लाश को टुकड़े करके कोने में डाल के कारगिल सेंटर रोड पर फेंक दिया गया। पुलिस का ये मानना है कि इस हत्या का संबंध भी पिछले दो हत्याओं के साथ हो सकता है, इसलिए पुलिस इस वक्त जोर शोर से तहकीकात कर रही है। ध्यान से सुनो सब लोग, सिटी में कौन आया कौन गया मुझे सबकी खबर चाहिए। किसी पे शक हो तो यहाँ लाना। मेरी बात को ठीक से समझ लो सब लोग। फार्म हाउस को छोड़ करके आया हूँ मैं, अगर सिटी में लौटा तो सब मरोगे, पता लगाओ। ठीक है भाई, चलो। कौन है ये जिसने दास के घर में हरकत की है? हम्म,
कर रहे हो सूर्या? हेलो सूर्या। कौन है? किसका कॉल आ गया? हेलो सूर्या। हाँ कौन? मैं मीरा बोल रही हूँ। मीरा कौन? मैं तुम्हारी भतीजी को ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ ना। हाँ हाँ मैडम बोलिए ना, बोलिए। मेरे पापा की तबीयत खराब है, वो बहुत ही सीरियस है। क्या हुआ? मैं उनकी मेडिसिन की पेपर तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ, प्लीज क्या तुम अर्जेंट ला सकते हो? प्लीज। ओके बाय। हेलो 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 हेलो, ये शिवा कहाँ चला गया? ठीक है, उसने अर्जेंट कहा था, जाना पड़ेगा। ये दवाई चाहिए अर्जेंट। ठीक है, ये लीजिए 500 रुपए हुए। थैंक यू, वेलकम। ये क्या है, तुम इनके साथ चेस खेल रही हो? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में था कि इन्हें क्या हो गया? सॉरी सूर्या, पापा की रोज वाली दवाई खत्म हो गई थी। मैंने पापा को बताया कि तुम ना हमेशा साइलेंट मोड पे रहते हो, और अगर यहाँ शिवा होता ना तो नॉन स्टॉप बकबक बकबक करता रहता है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। लीजिए अंकल, अब मैं चलता हूँ। रुको सूर्या, आए हो तो चाय पी के जाओ ना। मुझे कुछ काम है। पता है सीएम के साथ मीटिंग है क्या? आप क्या करते हो बेटा? हमारी राइस मिल है, हम राइस का व्यापार करते हैं। मेरी बेटी ने जिस तरह तुम्हें फोन किया उसे गलत मत समझना, वो बहुत अच्छी लड़की है। अरे कोई बात नहीं। हेलो। हेलो शिवा बोल रहा हूँ। हाँ शिवा, तुम रेडी हो क्या? हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सूर्या आया है। अच्छा ठीक है, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। हाँ ओके ओके बाय। ए सूर्या कहाँ है तू? घर पे। बाहर पे आजा। क्या भाई आज जल्दी शुरू कर दिया? तू मीरा के घर गया था? हाँ गया था, उसने कुछ अर्जेंट दवाई मंगवाई थी उसके लिए। अगर ऐसा था तो मुझे बोल देता, मैं लेकर चला जाता। हे शिवा इसमें क्या हो गया? ए, तू जानता है ना मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी चला गया? अगर कुछ बोलना है तो डायरेक्ट बोल मुझे, गुस्सा किस पे है तू, मुझ पे या उस पे? मैं गुस्सा नहीं हूं भाई, मैं डर रहा हूं, अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कल ही उसे प्रपोज करूंगा, कल ही उसे प्रपोज करूंगा। ए सूर्या मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए। नमस्ते सर। यहाँ कैसे आना हुआ सर? तुम्हारे स्कूल में मेरा टीचर पढ़ाती है ना? है ना सर। उन्हें बुलाओ, मुझे बात करनी है। ठीक है सर। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोसना, व्हाई आर यू अब्सेंट फ्रॉम लास्ट टू डेज? फीवर मैम। ओके नाउ यू ओके? या। गो टू क्लासरूम। ओके मैम। मुझे लगा कोई और होगा। तुम यहाँ कैसे आए? प्रिंसिपल रूम में क्या कर रहे हो? बाहर चलते हैं। हाँ चलो ना चलो। तो बोलो क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, बस
थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा क्या हुआ? मेरे मन में तुम हो, लेकिन मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ। जब तुम्हें मैं पहली बार उस बस स्टॉप पे देखा, तभी तुम मेरे दिल में बस गई। मैंने कई बार सोचा, लेकिन हम सेटलमेंट वगैरह कराते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ट्यूशन के लिए अपने घर पढ़ाने के लिए बुलाया। पर ट्यूशन की ज़रूरत सच में थी। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? मुझे बस एक चांस दे दो, दिल से तुम्हारा ख्याल रखूँगा। यार चुभ रहा है। शिवा, आर यू ओके? इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें डिफरेंटली प्रपोज करने के लिए। जरा घूम जाओ, मैं देखती हूँ क्या हुआ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। अरे घूम जाओ ना, मुझे देखने दो। तुमने देखा ना शिवा, जब इतने प्यारे फूल को तुमने गलत जगह पे रखा तो तुम्हें कांटे चुभे ना। लड़कियों का दिल भी ऐसा ही होता है। तुमने कहा कि मुझसे प्यार करते हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम जैसा मेरे लिए सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं सोच पाती। तुमने मुझसे कहा कि पहली बार बस स्टॉप पे मुझे देखते ही प्यार हो गया, पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है शिवा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सो प्लीज मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें नहीं चाहती। रुको मीरा, तुमने समझा नहीं मैंने क्या कहा। तुमको अगवा करके भी मैं शादी कर सकता था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं। तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो शिवा, अभी तुम्हें मैंने प्यार से समझाया है, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं आऊँगी। तो दोबारा इस टॉपिक पे मुझसे बात मत करना तुम। सो गुड बाय। बोल सूर्या, किधर है तू? कितना कॉल लगाया तुझे सुबह से? मैं आर्ज पे हूँ, आजा। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। हे शिवा, कितना कॉल किया तुझे? फोन क्यों नहीं उठाता है तू मेरा? मीरा को मैंने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। इन लड़कियों को दिलफेक आशिक समझ में आते हैं, मेरे जैसे सिंसियर आशिक की वैल्यू नहीं है। हे, प्यार में ये सब होता रहता है, चल अब। नमस्ते सर। नमस्ते सूर्यकांत, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। श्रावणी केस में क्या प्रोग्रेस है? हमने श्रावणी का फोन कॉल डेटा चेक किया है, हमने उसके फ्रेंड से भी बात किया था, बट नो क्ल्यू सर। श्रावणी के बॉडी के पास जो टायर मार्क्स मिले हैं, साइन स्क्रैप डीलर के यहाँ से
मिले टायर मार्क से बिल्कुल मैच हुई है सर। ये टायर वहीं के हैं। लेकिन हमने जब उससे पूछताछ किया तो उसने कुछ भी नहीं बताया सर। विश्वनाथ लॉयर के किसी दुश्मन का एक काम लगता है सर। अभी हम सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं, फुटेज मिलते ही 10 दिन में केस सॉल्व हो जाएगा। देखो इंस्पेक्टर, अगर एक लॉयर की बेटी को शहर में सुरक्षा नहीं मिल सकती है तो साधारण महिलाओं को सुरक्षा क्या मिल सकेगी? चाहे कुछ भी हो जाए, महिलाओं के मामले में चाहे वो कोई नेता हो या कोई गुंडा हो, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ये देखना तुम्हारा काम है। मेरे आदमी भी उसको ढूंढ रहे हैं। वो चाहे तुमको मिले या हमको मिले, कसम खाता हूं उसकी मौत मेरे हाथों ही होगी। अब तुम जा सकते हो। चलता हूं सर। दास भाई। नमस्ते दास भाई, बैठिए। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है भाई, क्या बात है? डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ। बोलिए। श्रावणी की डेड बॉडी के पास जो कार मिली थी, वो कार तुम्हारी सेट के बाहर पार्क हुई थी। अच्छा। किसकी कार है वो? महाकसम भाई, मुझे नहीं पता। पुलिस वाले भी यही पूछ रहे हैं। कार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाई। किसकी गाड़ी थी वो बता जल्दी। भाई भाई मत मारो भाई, मत मारो भाई, बता दो। वो कार हमारे शॉप के सामने खड़ी थी, हमने उसको स्क्रैप में बेच दिया भाई। पुलिस को मैंने ये नहीं बताया भाई। मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ भाई, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो ना। कुछ भी पता चले तो मुझे बता, मेरे लोगों को इन्फॉर्म करना, समझा? करूंगा भाई, करूंगा। दादाजी। दादाजी, समीरा टीचर 2-3 दिनों से ट्यूशन के लिए नहीं आ रही है, उन्हें बुलाओ ना। ऐसी बात है क्या? हाँ। ए शिवा। हाँ पापा बोलो। पता करो इसके टीचर 3 दिन से ट्यूशन पढ़ाने क्यों नहीं आई, जाओ पता करो। रहने दो पापा। ऐसा क्यों बोल रहा है? उसको तो तू ही लाया था ना। मैं उसे 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। तो उसके घर जाकर पता कर लो। मुझे काम है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ होगा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? पता नहीं दास। ए सूर्या, सेटलमेंट की बात कल करते हैं। बाय। जी पापा। मेरा टीचर 3 दिन से ट्यूशन पढ़ाने नहीं आई है, उसके घर जाकर पता करो। ठीक है। अभी आया है, अब बता तुम्हें से। पे ब्रश कर रही हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों, अपने फ्रेंड के साथ मेरी शादी करवाने के लिए आए हो क्या? क्या मैडम, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारा फ्रेंड पागल है क्या? कुछ भी बोलता रहता है, कहा कि मुझे अगवा करके शादी कर लेगा, पागल कहीं का। मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, पर मेरी बच्ची को पहली बार मैंने माँ के लिए नहीं टीचर के लिए पूछते देखा। तो क्या आप मेरी बच्ची के लिए आएंगी या मेरे फ्रेंड के लिए मना कर देंगी, ये आपकी मर्जी है। मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, आप मुझे सोच के बताइए। कंडीशन पे। क्या कंडीशन? हर रोज तुम मुझे ड्रॉप करने आओगे, तभी मैं आऊंगी। ठीक है मैडम, अब चलिए।
अरे सूर्या, तुमने इसे कैसे समझाया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ए, वो तेरे लिए नहीं आई, बच्ची के लिए आई है। क्या हुआ बेटा, तुम 3 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? थोड़ी सी तबीयत खराब थी अंकल, इसीलिए। ठीक है। ठीक है पापा। विष्णु बैठो, कल कोर्ट के काम से फ्री रहना तुम, बहुत सुरक्षित मिल जाए इसलिए मंदिर में हवन करना है, तुम्हें भी वहां होना चाहिए। वो 6 महीनों से नहीं मिली, क्या हवन करने से मिल जाएगी पापा? हम जानते हैं कोर्ट में न्याय की देवी रहती है, पर जब एक काबिल वकील होता है तब लोगों को न्याय मिलता है। उसी तरह लोगों से भरे संसार में देवी भी दिल से जो पूजा करता है उसी को प्रसाद और आशीर्वाद भी मिलता है। ठीक है पापा, आ जाऊंगा। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय। क्या कह रहा है ये केस? पापा मुझसे प्रॉमिस करना होगा। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो पापा। पहले उठ और उस कुर्सी पर आराम से बैठ। उठ, बैठ यहाँ। अब बता क्या बात है। पापा मैं मीरा से प्यार करता हूँ, मैंने उसे बताया भी कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर उसने मना कर दिया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। अब तो आप ही उससे समझा सकते हो, आप ही हम दोनों की शादी करवा सकते हो। इसके विषय में सूर्या को बताया क्या? उसे पता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ करेगा पापा। सूर्या अगर कुछ नहीं कर सकता है तो उसके पेरेंट्स से मिल करके उसको मनवाना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले बेटा, ठीक है ना? ठीक है पापा। जा तू। पापा कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल दूल्हा लग रहा है तू तो। क्या पापा? रुक, इधर देखा, इधर कुछ कमी है, इस गाल पे काला टीका। I love you पापा। रुक। क्या हुआ पापा? हम रिश्ता लेकर जा रहे हैं, गुंडागर्दी करने नहीं। नीचे कर। ठीक है पापा। चल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो बेटा? हाँ एकदम बढ़िया। आओ पापा बैठो। नमस्कार अंकल। पता नहीं हम आपसे क्या कहे कैसे कहे, लेकिन हम जात धर्म को नहीं मानते। तुम बोलना क्या चाहते हो? अंकल ये मेरे पापा हैं, दास साहब। परिचय की जरूरत नहीं है, मैं इसे जानता हूं। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है, अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे शादी करके अपने दिल में रखूंगा। अगर आप भी हमारे साथ रहेंगे तो हम सब खुशी खुशी रहेंगे। बाहर निकलो यहां से, अभी क्या भी निकलो। क्या हो गया अंकल? क्या हो गया? मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो इसकी वजह से। यही वो आदमी है जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़कर मुझे इस कुर्सी पे बिठा दिया। अब तुम बाप बेटे मिलकर मेरी बेटी को फंसा रहे हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, बदमाश। अंकल आप अपनी हद में रहिए। मैं क्या हद में रहूं? चले यहाँ से निकल जा सुअर के बच्चे। रुक रुकिए पापा, मेरी प्रेमिका के बाप को इसलिए छोड़ रहा हूँ, कोई और होता तो उसे काट डालता। है? बस पापा आपकी कोई बेइज्जती करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो यहाँ से जल्दी चलो। हेलो मेरा बेटी जी, इस नालायक ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। समझ में नहीं आता उस लड़की को कैसे शक्ल दिखाऊंगा, फर्स्ट टाइम मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। क्या हुआ पापा? इसने जो कांड किया इसी से सुनो।
हे, क्या हुआ भाई? हम मीरा के फादर से मेरी शादी की बात करने गए थे, पर पापा और मीरा के फादर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मीरा के फादर म्यूनिसिपल ऑफिस में काम करते थे और पापा ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी जब उसने पेपर पे साइन नहीं किया था। तब छे मेरी लव लाइफ की तो लग गई। ये लो। थैंक यू भाई। अभी तक शिवा नहीं आया। चीयर्स। चीयर्स। पापा लो ना पापा। लीजिए पापा। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे शर्मिंदगी हो रही है। छी, इज्जत की वाट लग गई है। एक कहावत सुनी है कि बाप का किया बेटा भुगतता है। सही सुना है। देखा इस बेशरम को, रायता खुद फैलाया और ऐसी बातें कर रहा है। बोलने दो इसे, बच्चा है मेरा। Cheers, पापा, I love you. पापा, ये तो पूरा टुन हो गया। मैं भी लुढ़कने वाला हूँ। हाँ, माल आ गया। अरे सूर्या, कहाँ जा रहे तू? मेरा का ट्यूशन फीस देने जा रहा हूँ। पापा ने बोला दे क्या, तो बस वही देने जा रहा हूँ। मेरी एक हेल्प करेगा क्या? बोलना भाई। वहाँ अपना फोन ऑन रखना, वो मेरे बारे में क्या सोचती है मैं जानना चाहता हूँ। तू ना कभी नहीं सुधरेगा। अरे तुझा, ये सब प्यार में कॉमन है। तू अपना फोन चालू रखना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो पहुंच गया क्या? हाँ जस्ट पहुंचा हूं। तो फोन चालू रखना। बेटी देखो कौन आया। सूर्या आया है पापा। मेरा मैम, आपके पापा की तबीयत कैसी है? कुछ बोलोगी तब तो पता चलेगा ना। सूर्या, तुम लोगों को नमस्कार है, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन अपनी ये ट्यूशन फीस रख लो। जाओ यहाँ से। तुम जैसे संस्कारी लोगों से ना मुझे फीस नहीं चाहिए। जाओ। ये क्या है, आप मुझे संस्कार सिखा रही हैं? मुझे नहीं पता कि आपके पापा को मेरे पापा से क्या प्रॉब्लम है, पर मेरे पापा के वजह से हजारों घर चलते हैं। ठीक है, पर इस समय शिवा की क्या गलती है? वो आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, बस। क्या बात है शिवा। मेरा शिवा थोड़ा चंचल है, पर दिल का बहुत अच्छा है, उसे शादी कर लो प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो सूर्या? मैं शिवा से शादी कैसे कर सकती हूँ जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पागल हो गई है क्या? बीच में मैं कहाँ से आ गया? हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल। पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। तुम्हें मैंने अपने स्टूडेंट के फोन पे देखा था, जब तुम लैंड सेटलमेंट कर रहे थे तब का वीडियो था। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। जब शिवा ने बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया तो मैं बच्ची के लिए नहीं तुम्हारे लिए वहाँ आई। जब जब तुम्हें देखती हूँ ना मैं खुशी से पागल हो जाती हूँ। मैंने मेडिसिन के बहाने से तुम्हें घर पे बुलाया क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें आई लव यू कहूँ इससे पहले तुम्हारा वो फ्रेंड शिवा ने मुझे आई लव यू कह दिया। उसी समय मैं तुम्हें बोलना चाह रही थी पर मैं बोल नहीं पाई, पर अब मैं तुमसे बोल रही हूँ आई लव यू सूर्या, आई लव यू सूर्या। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी सूर्या, नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी। हाँ।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सूर्या, पागलों की तरह प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज समझो मुझे। हे तू आ गया सूर्या, क्या बोली वो? इस बारे में बाद में बात करते हैं। वाह क्या ड्रामा कर रहा है सूर्या। मुझे पता था कि लव की भी एक्सपायरी डेट होती है, पर तूने बता दिया कि दोस्ती की भी एक्सपायरी डेट होती है। तू तो ग्रेट है सूर्या। क्या बकवास कर रहा है? क्यों, जो मैं कह रहा हूँ गलत है क्या? हे शिवा, तेरी जो अभी सिचुएशन है, मैं कुछ भी कहूंगा तेरी समझ में नहीं आएगा। ए, तू जानता है मैं मीरा से कितना प्यार करता हूँ? मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ उसे। अगर तू मेरी जान भी मांगता तो मैं तुझे दे देता, पर तूने तो जीते जी मेरी जान ही छीन ली। ऐसा क्यों किया तूने? हैं, गद्दार! ए! ए, ए शिवा, देख शिवा। शिवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिवा रुक जाओ शिवा, मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जाओ। पापा छोड़िए मुझे, आज इसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा जान से इसे, छोड़ूंगा। देखो पापा, इस कमीने ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। ए, पागल हो गया क्या तू? तुम लोग इंसान हो क्या? एक लड़की के चक्कर में तुम लोगों ने पापा पर गोली चला दी। एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो मैडम, मैं सुब्बू बोल रहा हूँ मैडम। बड़े साहब को गोली लग गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप भी जल्दी से आ जाओ मैडम। कैसे हुआ ये सब बाद में पूछना, आप आ जाओ मैडम। मैं वहाँ क्यों आऊँ? मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। या अल्लाह, दास अंकल को ठीक कर दीजिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, और मेरा प्यार, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मेरा सूर्या मिल जाए। मेरी दुआ कबूल करिए। छी, अंकल अब आपकी तबीयत कैसी है? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। गलती तुम्हारे लिए बेटा, गलती मेरी है। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे अब्बा का गुनहगार हूँ, तुम फिर भी मुझसे मिलने आई हो। मैं आज तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस घर में तुम बहू बनकर के आ जाओ। फैसला तुम्हारा है, कहो तुम्हें कौन पसंद है, शिवा, सूर्या। बोलो बेटा,
बताओ तुम किसको चाहती हो? अंकल, मैं सूर्या से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सूर्या को चाहती हूँ अंकल। ए, पागल है क्या तू? एक बार समझाया, समझ में नहीं आता क्या तुझे? वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग है, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ए शिवा, बकवास बंद कर। ए सूर्या, यहाँ पे आ। हाँ पापा। मेरे सामने आ। सुन सूर्या, जब कोई लड़की किसी से दिल से प्यार करती है तो मरते दम तक नहीं भूलती, तो नसीब वाला है कि तुझे कोई इतना प्यार करने वाली मिली है। मेरी बात मान, तू इससे शादी कर ले। तू मेरा अच्छा बेटा है ना, मेरी बात मानेगा ना? आप ये सब नाटक देखकर भी ये सलाह दे रहे हैं पापा? अरे बेटा, दुनिया के इस नाटक में तो सही क्या है और गलत क्या है कोई भी नहीं जानता है, और जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हम चाहे भी तो रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता है। इसको अपना ले बेटा। पापा, अगर तू थोड़ा भी मेरी इज्जत करता है तो तू मीरा से शादी करेगा। शिवा, जोड़ियां ऊपर वाला तय करता है, तू पीछे हट जा, इनके खुशी में ही सबकी खुशी है। किस बात की खुशी? हाँ, जिससे प्यार किया उसके हाथ में दूसरे का हाथ देने की खुशी, जिसे मैंने पागलों की तरह चाहा, उसकी शादी सूर्या से करवा रहे हैं, ये सब क्या है? कल इनकी शादी होगी, हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे, वो भी मेरी आंखों के सामने। इस बात की खुशी मनाऊंगा मैं, यही है मेरी खुशी। अब मुझसे नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब लोग अच्छे से खुश रहो, मैं यहां से जा रहा हूं, बस मुझे रोकना नहीं, मैं जा रहा हूं। ए शिवा, रुक जा, आज हम लोग यहां खड़े हैं तो तेरे गुस्से की वजह से। अगर तू अकेला यहां से चला गया तो ये दुनिया तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी शिवा, कोई ना कोई तुझे मार देगा शिवा, और मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ शिवा। तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तू नहीं मैं। तुझे यही पापा के साथ रहना है और उनका ख्याल रखना है। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? पापा, बस पापा, अगर मैं नहीं गया तो ये मर जाएगा पापा, मुझे जाना होगा। ए सूर्या, एक औरत के चक्कर में साम्राज्य बर्बाद हो जाते हैं, सच सुना था पापा, आज अपनी आंखों से देख लीजिए। सब खत्म हो गया पापा। क्या हुआ बेटी, बताओ क्या हुआ? मुझे आपसे एक बात करनी थी पापा। क्या बात करनी थी? मैं सूर्या को पसंद करती हूँ पापा, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं पापा, प्लीज पापा। बिना आपके परमिशन के मैं शादी नहीं करूंगा।
भाई मेरा पूरा सपोर्ट है तुमको। खाली तुम्हारा सपोर्ट नहीं, तुम्हारी पूरी यूनियन का मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है भाई। पापा, सूर्या का पावर सिटी में बढ़ता जा रहा है। उसकी रफ्तार देख के लगता है वो आपसे भी बड़ा बन जाएगा। बढ़ना ही चाहिए, आखिर बेटा किसका है। भाई गिरी में उसका टैलेंट तो ऐसा है, सबको धूल चटा देगा वो। हेलो। हेलो दास भाई, कैसे हो? हाँ भाई अच्छा हूँ। क्या बात है, कोई काम है तो बताओ। हाँ भाई, काफी समय हो गया तुमसे कुछ काम करवाना था, एक बड़ी डील है, सूर्या को फोन दो। हाँ भाई, वो अब हमसे अलग हो गया भाई। ऐसा क्या? आप काम बोलो, हम वो काम कर देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। कौन था पापा? मुंबई से जोसेफ ने फोन किया था। ओहो, सूर्या के लिए पूछ रहा था। हेलो। हाँ सूर्या भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ भाई मैं अच्छा हूँ। सूर्या भाई, मैंने सुना आपने शादी कर ली। हाँ कर लिया, बस अचानक से हो गया। अच्छा है, सुना सेपरेट धंधा भी चलाने लग गए। हाँ भाई। ओके, एक डील है, करोगे? क्या है भाई? गोल्ड बिस्किट्स। अरे नहीं भाई, वो पापा करते हैं, वो पापा से डील। अरे सूर्या भाई, हर पक्षी पर फैलाता है जब घोंसला से निकल जाता है। मेरी बात सुनो, ये डील तुम ले लो। ठीक है भाई, मेरे और मेरे पापा के बीच में दरार नहीं पड़नी चाहिए। नो प्रॉब्लम, रखता हूँ भाई। ओके सूर्या भाई। हेलो शिवा, अपने बार पे आ जा, वेट कर रहा हूं। ओके। क्या भाई कॉल क्यों किया? दारू पी। शिवा, वो मुंबई की डील भी सूर्या को ही मिल गई। अब हमें चिल्लर सेटलमेंट से करनी पड़ रही है। ऐसा क्या? मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो बड़ा बन रहा है, लेकिन तुम्हारी माशोका से उसने शादी की ये बुरा लग रहा है। शिवा, तुम एक बात जानते हो, तुम उस लड़की से प्यार करते हो ये जानते हुए भी उसने उस लड़की से चक्कर चलाया। पक्का प्लान करके ही वो यहां से निकला, अब हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। शिवा, तुझे एक बात बताता हूं, मुंबई से आया हुआ गोल्ड सूर्या ने कहां छुपा के रखा है? इधर आ, भवानी के पुरानी पेपर मिल में। अगर ये इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गए तो हम चिल्लर सेटलमेंट नहीं करेंगे और वो जेल में चक्की पीसेगा। पर साले को बढ़ने दो, क्या है ना, अपने जिगर का टुकड़ा है। चल भाई। हेलो
सरवानी के केस में क्या प्रोग्रेस हुआ? सरवानी केस की तरह दो और मर्डर हुए और उनके भी लाश का टुकड़े टुकड़े किए गए सूर्या। कातिल लोकल है या बाहर वाला समझ में नहीं आ रहा सूर्या। मुझे तो पक्का कोई साइको का काम लगता है। ओके पापा का ख्याल रखना। ओके सूर्या, इस केस को मैं संभाल लूंगा। टेक केयर सूर्या। अब जाइए। नमस्ते सूर्या भाई। नमस्ते इमरान भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बैठिए। ठीक है। भाई ने शादी का गिफ्ट भेजा है। थैंक यू इमरान भाई। ये 2 किलो सोना है भाई ने भेजा है। एक छोटा सेटलमेंट करना है। हाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। ए, भाई का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है भाई। हेलो। है सूर्या भाई, धोखे से मेरे छोटे भाई को मरवा डाला। अरे मुझे गोल्ड की नहीं पड़ी है, पर तूने मेरे छोटे भाई के साथ जो भाई, किया है भाई, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कैसे नहीं पता? अपनी बीवी के साथ सोया हुआ था क्या? जैसे मेरा भाई मारा गया वैसा तेरी फैमिली का हाल करूंगा। भाई मेरा विश्वास करो। विश्वास था तभी तो तेरे पास उसे भेजा था। अगले महीने मैं उसे दुबई सेटल करवा रहा था, तू हरामखोर उसे मार दिया। भाई मेरी बात सुनो भाई। अबे साले, तू और दास मिलके मेरे साथ गेम खेल रहे हो। छोड़ूंगा नहीं किसी को। उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो गई है। खत्म कर दूंगा तुम सबको, तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। साले छोड़ूंगा नहीं तुझे। भाई मेरी बात तो सुनो भाई। छे ए शिवा, तुझे अगर मुझसे खून नस है तो मुझसे निकाल। फैमिली को रिस्क में क्यों डालता है? ए, क्या बकवास कर रहा है? ऐसे नहीं समझेगा तू। ए सूर्या बस कर। अब चुप बैठिए पापा। ए अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है तू? थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर लेता तो खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या तू? मिटा भी सकता हूं तुझे, मैंने ही बनाया है। आपको पता है इसने क्या किया है? इसकी और मेरी जो सीक्रेट प्लेस है वहां पे पुलिस पहुंच गई। मुंबई के अनवर भाई को किसी ने पेपर मिल में अनवर के भाई को गोली मार दी। बदले में अनवर ने मुझे
धमकी दी है कि वो मेरी फैमिली को खत्म कर देगा। इसने गलती की है पापा, मैं किसी के धमकी से नहीं डरता पापा। और जैसा आपने बोला कि मैं सेटलमेंट करके डबल पैसे कमा रहा हूं, तो ये पैसे किस काम के पापा, जब आप लोग ही मेरे साथ नहीं रहोगे। ए दास, वो छोटा है, उस पे गुस्सा मत कर, चल चलते हैं। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया? मुंबई से आया हुआ कोल्ड सूर्या ने कहां रखा है? इधर भवानी के पुराने पेपर मिल में। विष्णु भाई, तुमने किसी को क्या उस जगह के बारे में बताया? बोला ना, पुलिस को फोन मैंने ही किया था, लेकिन सूर्या बच गया। छी, बच गया वो। तूने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया? उससे मेरी दुश्मनी लाख है, लेकिन आखिर है वो मेरा भाई ही, जान है मेरी। अगर कोई इसकी जान को खतरे में डालेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। याद रखना, अगर सूर्या को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भूल जाऊंगा तू मेरा भाई है, याद रखना। तुम जाकर आ जाओ। हाँ ठीक है। चाची, कैसी है? सीरी। हेलो, पता चला कुछ? किसने किया ये सब? आओ बेटा, ठीक तो हो ना? आशीर्वाद दीजिए पापा। खुश रहो, काफी दिनों बाद आई हो। सूर्या वहाँ क्यों खड़ा है, अंदर नहीं आएगा क्या? सुना है कि आप में और सूर्या में कुछ अनबन हुई है, इसलिए वो वहीं पे। अंदर नहीं आएगा, नाराज है मुझसे। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ए सूर्या, इधर आओ। हाँ पापा, अभी आया। बहुत बड़ा आदमी बन गया तू, मुझसे ही बड़ा। अरे क्या बोल रहे पापा आप, अर्जेंट फोन था इसलिए बात कर रहा था। अरे शिवा, देख कौन आया है, अंदर आओ बेटा। हाँ पापा। चलो पापा। बोलो बेटा। एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? आप दादा बनने वाले हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात बताई बेटा। हे सूर्या, मैं दादा बनने वाला हूँ रे। इतने सालों बाद मुझे इतनी खुशी मिली है, आज फुल एंजॉय, आज तो दो दो बकरे कटेंगे। ओके पापा। चाची अब खिलौना नहीं, मैं तो अपने छोटे भाई से खेलूंगी, वो जल्दी आएगा। बाबू। हे शिवा, यहाँ आ रे। क्यों सुबू, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मैडम जी। पापा का अच्छे से ख्याल रखते हो ना? हाँ मैडम। हाँ। शिवा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। पापा। हाँ बेटा। मैं शिवा को मिठाई देकर आती हूँ। ठीक है बेटा। शिवा, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो ये भी मेरे लिए एक पनिशमेंट ही है ना शिवा? तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों शादी करके बहुत खुश हैं? पर तुमसे दूर होकर सूर्या को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला हो गया है। सॉरी शिवा,
मैं जा रही हूँ। रुको भाभी। जिस दिन से तुम्हारी शादी हो गई मैंने मन से सब निकाल दिया। मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। जल्दी आना बेटा। ठीक है पापा। पापा ये मुंबई के अनवर ने दोबारा फोन करके धमकी दी थी, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। क्या बेटा तू दास को सावधान रहने को बोल रहा है? ठीक है बेटा, कुछ बात होगी तो तुझे ही फोन करूंगा। ठीक है पापा, चलता हूँ। आप ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। बोलो भाई। भाई दास आ रहा है, अपना काम शुरू कर दो। ए चलो ना जल्दी। हे बाबू, बाबू, पापा, विष्णु, तू अंदर जा, गाड़ी बैठ। विष्णु बेटा, विष्णु चलो लेके चल, कर दो इसे, कर दो, खत्म कर देंगे। ए हटो रे, दास। दास।
में तेरा बेटा आया दास, दास उठना देख ला दास। पापा पापा उठ जाओ पापा, पापा मैं कसम खाता हूँ पापा, अब आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा पापा, उठ जाओ पापा, पापा उठ जाओ पापा, मैंने तुझे बोला था ना पापा को अकेला मत छोड़ना, कहा था तू? मुझे दूसरी जगह भेजा था, मैंने कोशिश किया पर नहीं आ पाया, टाइम पर नहीं आ पाया भाई। छे आप लोग जरा बाहर जाएंगे, विष्णु की हालत इस वक्त सही नहीं है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, जल्दी अरेंज कीजिए, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर विष्णु कैसा है अभी? जान को कोई खतरा नहीं है, थोड़ी अंदरूनी चोट लगी हुई है, थोड़ी रेस्ट लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मेडिसिंस टाइम पे लेनी होंगी। थैंक यू डॉक्टर। ए शिवा, शिरानी को मैं अपने घर ले जाता हूँ। अब चार दिन में शिरानी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, मैं उसे तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, तू अपना ख्याल रख, कोई बात हो तो कॉल करना। तू भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, ठीक, मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो मीरा। हाँ सूर्य, कहाँ हो तुम? मैं मार्केट में हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं वेट करती हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है। हाय मैम, गुड इवनिंग। हाय ज्योत्सना। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैडम। ठीक से पढ़ाई कर रही हो ना? अच्छे से पढ़ रही हूँ मैडम। आजकल आप स्कूल क्यों नहीं आती मैडम? तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है ना? जी मैडम, सब ठीक है। अच्छे से पढ़ना। ओके मैडम। क्लास में फर्स्ट आना। मैं सामान ले लूँ? हाँ। ये किलो दे दीजिए।
मैडम, someone is calling you. मुझे? बाय बेटा. ओके बाय. बाय. मैम. हाँ. एक मिनट. या कम. मैम, वन सेल्फी. ओके बाय मैम. बाय. बाय. मासी मीरा यहाँ आई थी क्या? यहाँ से तो कब की चली गई, उधर गई है.
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सूर्या, पागलों की तरह प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज समझो मुझे। मैं सूर्या से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सूर्या को चाहती हूँ। कैसी हो तुम? सूर्या कैसा है तू? मैं ठीक हूं। कैसी है तबीयत? थोड़ा ठीक लग रहा है। पापा, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? आपको मुखाग्नि तक नहीं दे पाया पापा। पापा सूर्या, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी को किसने किडनैप किया है? हाँ? नहीं। हम पर ये मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा सूर्या? विष्णु, मैंने ये सोच समझ कर डिसाइड किया है, हम ये शहर छोड़ देंगे, शायद तभी हम सब खुश रह पाएंगे। नहीं नहीं सूर्या। सुनो विष्णु, सूर्या जो बोल रहा है वो करेक्ट है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने अपना काफी कुछ खो दिया, अब जो बचा है हम उसे नहीं खोना चाहते। हम पे शेरी की जिम्मेदारी है। हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। मैं नहीं आऊंगा, ये मेरे पापा का घर है। अब पापा तो नहीं रहे ना, लेकिन पापा के इस घर को देख कर जीऊंगा मैं। देखो दामाद जी, मेरी बात सुनिए, खुद के लिए ना सही, अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुनिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा ससुर जी। हाँ शिवा, निकले ना? हाँ अंकल, निकल गया। ठीक है जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूं। अंकल मैं बाद में कॉल करता हूँ। रिसिप्ट मंगवाया है, मैं इसके लिए यहाँ आया था। चलो अब चलता हूँ। ए सुन, क्या हो भाई? अगली बार बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना, ये मेरा पर्सनल रूम है। ठीक है भाई।
कुछ तो गड़बड़ है। बेटा भाई, कल शाम को तुम अकेले कहां गए थे? मैं ना मेरे फ्रेंड के मैरिज फंक्शन में गया था। ओ क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा, चलो जाता हूं।
गोली लगी है सर। अरे तो शिवा भाई, अरे इसको भी सुना। सूर्या, ए शिवा, 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 शिवा उठ भाई, ए पीछे हटो, पीछे हटो, ए शिवा, शिवा, उठ मेरे भाई, उठना मैं आ गया, शिवा, ए शिवा, उठना शिवा, शिवा, ए शिवा, उठना, देख, देखना, देखना तेरा सूर्या भाई आ गया, देखना, शिवा, शिवा, शिवा देखना, मेरी तरफ देख, शिवा, शिवा देख, शिवा, पकड़ो, शिवा, शिवा उठ, ना डटी है, डॉक्टर, क्या हो गया? पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीरियस है, इसको ऑक्सीजन देना होगा, आप लोग पीछे हटिए। बाबा हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान हमें रास्ता दिखाइए, इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाइए भगवान। हाय अंकल, आप ठीक है ना? हाँ। वो मीरा टीचर की मौत हो गई है ना? आप दुखी मत होइए, उस दिन मार्केट में एक अंकल आकर मीरा टीचर को लेकर गए, उनकी कार की डिक्की से ब्लड गिर रहा था, वो मैंने देखा, काफी खून बह रहा था। मेरे पास वो फोटो भी है। देखिए, ये अंकल टीचर को लेकर गए थे। विष्णु, यही ले गया था? हाँ अंकल। शिवा उठ, उठ शिवा। चल बता, क्यों किया तूने ऐसा?
बोल रामखोर। बताता हूँ हर इंसान को एक ईगो होता है, मुझे भी ईगो है, वजह तुम दोनों हो। मैं जब छोटा था तभी मेरी माँ गुजर गई, लेकिन फिर भी कभी मैंने चिंता नहीं की। क्यों जानते हो? क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ थे। I love my dad। लेकिन तुम दोनों हमारी जिंदगी में आए। आज से मेरा एक बेटा नहीं, तीन तीन बेटे हैं। उसी दिन से मेरे पापा ने मेरी कदर नहीं की। बस सोते जागते शिवा सूर्या, कौन हो तुम लोग, किसकी औलाद हो? हर बार मेरे पापा को तुम जब डैडी डैडी कह के पुकारते थे, तुम लोगों की जान लेने का दिल करता था, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आता था। तुम एक बात जानते हो सूर्या, मेरे पापा को मारने वाला मैं ही हूं। ए विष्णु क्या कर रहे तू? आई लव यू डैडी। क्यों किया तूने? मेरे पापा की गलतियां जानते हो तुम? उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, आज के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ए, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। वो भी तो बेटी होती है ना। विष्णु मजे करना। मजे करना। All the best. Bye. दूध लेकर जाओ बेटी। फिर भी मैंने खुद को समझा लिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को फीट्स की बीमारी है। कमला, क्या हुआ कमला? क्या हुआ तुम्हें? पापा, बेटा पकड़ ले इसे। क्या हुआ बेटा? सब ठीक हो जाएगा। किसका? शांत रहो। ठीक हो जाएगा। बेटा ये मिर्गी की मरीज है, बेटी है मेरे दोस्त की, इसे बहुत संभाल के रखना। मुझे कितनी तकलीफ हुई जानते हो? मेरी बीवी कहीं गायब नहीं हुई, मैंने उसे मार दिया। उसे मार के खेत में ही उसे गाड़ दिया। मैं बाहर से रोता था लेकिन अंदर से हंसता था। मेरी साली श्रावणी को मारने वाला मैं ही हूँ। श्रावणी आ गई है, दीदी का पूछे तो केरला ट्रीटमेंट के लिए गई है, बोल देना अपने दीदी को बहुत चाहती है वो। ठीक है पापा, चलेगा।
आजा। हाय। उसे तो मैंने रेत करके मार डाला। मेरे सामने तुम दोनों और वो पुलिस पागलों की तरह घूम रहे थे। मेरे सामने तू हंसी खुशी अपना घर बसा रहा था, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता। बाबू आने वाला है। इसीलिए मेरी बीवी का पेट फाड़ के ही उसके पेट से बच्चे को इस हाथ से निकाला। ए सूर्या, तेरी बीवी तो मर गई रे, नेक्स्ट तेरी बारी है। तेरी तो गुड बाय सूर्या, मेरे पापा को बोलना मैं मिस करता हूँ। सूर्या, तू आ गया। आराम से। चल चल। अरे ये तो विष्णु है।